हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल विद मे रिचा में। आईब्रोज थ्रेडिंग हम घर पर कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज का ये वीडियो इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जब भी वो थ्रेडिंग करते हैं तो उनकी स्किन में कट लग जाता है। इस जगह की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर हमें कट लग जाते हैं। इससे छुटकियों में छुटकारा कैसे पाया जाए, आज मैं आपके साथ इस ट्रिक को शेयर करूंगी। तो आज हम आईब्रोज बनाएंगे इस सेलो टेप की हेल्प से। ये हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है थ्रेडिंग के कट को बचाने के लिए। साथ ही हमें चाहिए ये थ्रेडिंग वाला जो थ्रेड होता है, प्रोफेशनल थ्रेड, इसके बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था। साथ ही टेलकम पाउडर एंड सीजर्स। तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए किसी भी अच्छे से फेस वॉश या माइल्ड सोप के साथ, जिससे कि आपके फेस पर थोड़ा सा भी ऑयल ना रहे। तो जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं हमारी आईब्रोज के इस एरिया में कभी कट नहीं लगता, इस एरिया में लगता है हमेशा। तो हम थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा हमें 2 फीट के करीब लेना है, इसको फोल्ड करके गांठ लगा लेंगे। इसके बाद सीजर से फ्रंट में आईब्रोज को शेप दें, बराबर कर लें। और इसके बाद बहुत थोड़ा सा टेलकम पाउडर लेंगे और अपने जो आईब्रोज का फ्रंट वाला एरिया है यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। और अब हम जो धागा हमने तैयार किया हुआ है इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से चलाकर देख लेंगे और अपनी आईब्रोज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जो छोटे से हेयर्स होते हैं उनको जो है निकालना स्टार्ट करें, जिससे वहाँ का एरिया क्लीन हो जाए। और उसके बाद से हम थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आईब्रोज आप पार्लर जैसी कैसे बना सकते हो, क्या ट्रिक लगती है कि आपको पार्लर जैसा शेप आएगा, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दी थी। उसको आप चेक कर सकते हो कि आपको थ्रेडिंग करने के लिए शेप कैसे देना है। तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से आईब्रोज को शेप देना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट में इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा शेप आ चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा बैक साइड में इसके आईब्रो के नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहीं पर कट लग जाता है। तो आप कपड़े एक किसी भी कॉटन कपड़े की हेल्प से इसको पोंछ लेंगे जो पाउडर हमने लगाया था। और इसके बाद हम लेंगे अपना सेलो टेप। तो यहाँ आ जाती है सेलो टेप की ट्रिक। तो इसको मैंने लिया है करीब 3 इंच के, और 3 इंच का सेलो टेप कट करके हमें अपनी आईलिड जो होती है यानी पलके जो होती हैं उसके ऊपर इसको प्लेस करना है। बस देख लीजिए जहाँ पर आपके आईब्रो के हेयर्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे इसको अप्लाई करिए, और इसके बाद पलकों पर जो है हाथ रखते हुए कि बाल उसमें ना फंस जाएं आपके सेलो टेप के बीच में, तो उसको बराबर बचाते हुए अपनी जो पलके हैं उसको हल्का सा सेलो टेप से खींचते हुए नीचे हल्का सा पुल करते हुए और अपने जो है स्किन पर इसको नीचे चिपका लें। इसी तरीके से एक और सेलो टेप लेंगे हम 2 से 3 इंच का, और उसी तरीके से सेम हल्का सा पुल करते हुए पलकों को नीचे अपने गाल के पास इसको चिपका लेंगे। और एक तीसरा सेलो टेप लेंगे जिसको हम ऊपर के साइड इस तरीके से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पर स्किन स्ट्रेच हो गई है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर आपको स्ट्रेच करे या फिर आपको कट लगे। तो बस इसके बाद आपको साइड में बस ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा आपकी जो आईब्रोज हैं वो बाल ना निकल जाएँ, बस किनारे किनारे के बालों को निकाल लेना है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी आईब्रोज को सेट करने का, आईब्रो को शेप देने का, और बिना कट लगे आप घर में इस तरीके से अपनी आईब्रोज को बना सकते हो। तो अभी आप देखना कि कितना अच्छा शेप आया है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको कट लग जाएगा। तो बस ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बताऊँगी नहीं, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आपने दोनों आईब्रोज बनाकर नहीं दिखाई हैं, आप पूरा दिखाइए। तो इसलिए मैं इस तरीके से मैंने आपको समझा तो दिया है, बट फिर भी मैं पूरी आईब्रोज दोनों साइड की आपको इसी तरीके से बनाकर दिखाऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद देखिएगा कि किस तरीके से आईब्रोज का शेप आता है। बहुत ही अच्छी आईब्रोज बनी थी और आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था अपना फेस कितनी ज़्यादा आईब्रोज बढ़ गई थी, उसके बावजूद बहुत अच्छा शेप आया था। तो आगे से आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके साथ में एक बेल का बटन आएगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आप
आपको पर्सनलाइज पर पहले से सेलेक्टेड रहता है, बट आप उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, हमेशा मिलेगी और कुछ भी आप मिस नहीं करोगे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी आईब्रोज, वैसे मैंने आराम से धीरे से अपना ये सेलो टेप निकाल दिया है, और फ़र्क आप आराम से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आ गया है, कितनी अच्छी फाइन जो है आईब्रोज बनी है इधर की, और ये आप दूसरी तरफ की देख सकते हो जो ये बढ़ी हुई थी। तो चलिए अब बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, दूसरी तरफ की आईब्रोज आप अपने आप से देखिए कि किस तरीके से मैंने दूसरी आईब्रोज को शेप दिया है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको कुछ और भी डाउट है मन में तो मेरे पहले के वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने हर तरीके से आपको डिटेल बताई है कि शेप कैसे देना है, धागे को पकड़ना कैसे है। तो दोनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन पर भी, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा।